सो गया। और इसी के बीच में और ये आप सभी देख रहे हैं ये तो सरप्राइज दे रहे हैं आप लाकर के, क्या बात है, हैं? ऐसे भी अच्छा, ये फोटो उस दिन की है, बाबली हमारी कथा चल रही थी तो भैया ने फोन किया था कि दीदी 2 मिनट मुझे आपको मेरी दुकान पर आकर रुकना है। तो इन्होंने अपनी जो कहते नहीं है कुर्सी, और आजकल जानते हैं कि कुर्सी के पीछे से दुनिया पड़ी है, हैं? तो इनकी जो आप सभी शायद जानते होंगे अदिति ज्वेलर्स की दुकान है सोने चांदी की, और एजेंसी भी है स्कूटी की। तो भैया जी की ओर से एक सोने की अंगूठी है हमारे लिए, एक चांदी का मुकुट है हमारे लिए, एक सहरा पगड़ी है, और मुझे भेंट कर रहे हैं, और एक हमारी ही प्रतिमा। जब मैं बावली कथा, शायद हमारा 5वां दिन था कथा का, तो भैया का फोन आया कि दीदी प्लीज 2 मिनट आपको मेरी दुकान पर आना है। तो मैं गई, उन्होंने नाश्ता पानी कराया, तो बोले एक फोटो हो जाए, मुझे नहीं मालूम था कि ये बनवाने के लिए ले रहे हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इन्होंने अपनी कुर्सी पर मुझे बिठाया, फोटो लिया, और आज आकर मुझे नहीं मालूम था कि ये सब सरप्राइज देने वाले हैं। तो बहुत बहुत आभार एक बार हमारे, हाँ, हमारे बड़े भाई जो अदिति ज्वेलर्स जिनकी सोने चांदी की दुकान है, और आप सभी भी इनसे संपर्क करिए, बहुत अच्छा व्यवहार है, बहुत अच्छा स्वभाव भी है, बड़े सहज सरल है। और हाँ, आप जानते हैं कि हमारी बनती उनसे ही है जिनकी जो सहज और सरल रहते हैं, एटीट्यूड वालों से तो हम आस पास होना झांके। तो प्यारे हो, तो भैया की स्कूटी की एजेंसी भी है, और आप शायद काफी लोग परिचित होंगे, काफी इनके ट्रैक्टर और जेसीबी वगैरह चलती हैं, और इनके यहाँ हर तरह का हैरो वैरो क्या होता है, ये ट्रैक्टरों का सामान सब कुछ मिलता है। एक बार हमारे श्याम भैया के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिएगा, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।